इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रीटा बहुगुणा जोशी। मैम, तीन राज्यों में जो कांग्रेस को हार मिली है उस पर आप चिंतन हो रहा है, तीन अगले दो तीन दिन यही चर्चा हो रहेगी। देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि आत्मचिंतन हर पार्टी को करना चाहिए, कांग्रेस कर रही ठीक कर रही है, लेकिन उनका अहंकार उनको ले डूबा है। और सबसे रोचक बात तो ये है कि जिस समय ये आत्मचिंतन हो रहा है तो राहुल गांधी जी, जिनको वो प्रधानमंत्री का मटेरियल मानते हैं, वो 9 दिवसीय अपने विदेशी दौरे पे चले गए हैं छुट्टी मनाने, तो ये गंभीर राजनीति का लक्षण नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तमाम जो नेता हैं वहाँ पर बैठ करके चिंतन करेंगे, राहुल जी की अपनी भूमिका है। देखिए, सारा चुनाव जो भी होता है, जो भी कार्य होते हैं, राजनीतिक कार्य कांग्रेस पार्टी में, सब राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द होते हैं जी। तो अगर वो एपिसेंटर हैं तो एपिसेंटर ही गायब रहेगा तो मंथन क्या होगा, क्योंकि वो आएंगे, उनका अपना अलग विचार होगा, तो उनका विचार भी आना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं हो पाएगी। यानी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही जब कांग्रेस की तमाम रणनीति घूमती है, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी वहां पर नहीं है तो फिर जो है चर्चा कैसे हो पाएगी? और क्योंकि अगर वो चर्चा में शामिल नहीं होंगे, वो वापस आएंगे, तो उनका अपनी निजी एक राय होगी, और इसी वजह से ऐसी चर्चा पर ये जो मंथन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उस पर सवाल खड़ा कर रही है रीटा बहुगुणा जोशी। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।